हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोगों को 10B एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करेगा। उसी में हम लोगों को डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। 10B एक्सरसाइज जो है उसी में हम लोगों को डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग उस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस कैसे समझिएगा। मार्क प्राइस है, हम लोग अगर कोई आर्टिकल खरीदते हैं, अगर हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु के ऊपर आप लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कोई 5 रुपये का बिस्कुट खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है ये 5 रुपये का है, 5 रुपया लिखा हुआ रहता है उस पर। तो वही उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस। मतलब मार्क मतलब होता है छपा हुआ प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब हुआ छपा हुआ प्राइस, तो जो उस पर छपा हुआ है वही हो गया मार्क प्राइस। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, द प्राइस विच इज़ प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। मतलब मार्क्ड प्राइस हुआ है जो कि किसी आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड रहता है, ठीक है। किसी आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड रहता है जो प्राइस, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मार्क्ड प्राइस। तो अब हम लोग इसको एब्रीविएट किससे करेंगे, हम लोग इसको एब्रीविएट MP से करेंगे। M फॉर मार्क्ड, P फॉर प्राइस, ठीक है। इसे हम लोग एब्रीविएट किससे करेंगे, MP से। M फॉर मार्क्ड, P फॉर प्राइस। अब हम लोग जानेंगे मार्क्ड प्राइस। समझने के बाद हम लोग देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है, क्योंकि यही हम लोगों को जानना है आज, डिस्काउंट क्या होता है। देखिए मैं इसे आप लोगों को एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। अगर आप लोग बाज़ार जाते होंगे तो अक्सर देखा करते होंगे कि पोस्टर लगा हुआ है 40% डिस्काउंट का, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, ऐसा पोस्टर आप लोग अक्सर देखते होंगे। इसी पोस्टर के द्वारा आप उस दुकान की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उस दुकान में जाकर अपना सामान खरीदते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। तो इसके पीछे दुकानदार, शॉपकीपर का मोटिव क्या है, मतलब डिस्काउंट देने के पीछे उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव क्या क्या हो सकता है कि वो अपने पुराने स्टॉक में जो सामान है उसे वो बेचना चाहते हो। मतलब जो किसी कारणवश कोई सामान उनका नहीं बिका हो तो वो उन्हें बेचना चाहते हैं, इस कारण से वो डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए भी वो डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। तो अगर हम लोग उस दुकान में कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम लोग उसी आज हम लोग उसका कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग डिस्काउंट को माइनस करके अपना SP निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से डिस्काउंट क्या कह रहा है, द परसेंटेज रिबेट, रिबेट मतलब छूट, रिबेट मतलब छूट, ठीक है, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय द शॉपकीपर फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ सेल और टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक इज कॉल्ड एज डिस्काउंट ऑन दैट आर्टिकल। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, इंक्रीजमेंट ऑफ सेल टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक, यही उसका मोटिव है शॉपकीपर का, सॉफ्टवेयर का यही मोटिव है, अपने सेल को इंक्रीज़ करना या फिर ओल्ड स्टॉक को क्लियर करना, मतलब और ओल्ड स्टॉक को बेच कर ख़त्म कर देना, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, डिस्काउंट ऑन डेट आर्टिकल। हम लोग जिस आर्टिकल को खरीदे हैं उस पर डिस्काउंट हो गया ये, ठीक है। डिस्काउंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए इस डिस्काउंट किस पर डिपेंड करता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर डिपेंड करता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 10B जो हम लोग बनाएंगे उससे पहले हम लोगों को फॉर्मूला का मदद चाहिए। तो आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। उसमें से मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने। तो पहला फार्मूला है SP बराबर क्या हो जाएगा, MP माइनस डिस्काउंट, ये हमारा पहला फार्मूला। हम लोग SP हम लोग का क्या होगा, जो मार्क प्राइस है उसमें से अपना डिस्काउंट घटा लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा SP, उतना रुपये में हम लोग उस वस्तु को खरीदें। अब देखिए इस एक फार्मूला की मदद से दो और फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए इस साइड रहने दीजिए MP को, ठीक है, MP को इस साइड रहने दीजिए और डिस्काउंट इधर माइनस में, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, SP और डिस्काउंट इधर आके प्लस में हो जाएगा, SP प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर MP। आपको इस फॉर्मूला का भी यूज हो सकता है एक्सरसाइज में,
ठीक है, अब देखिए तीसरा फॉर्मूला इससे क्या बनेगा। तीसरा फॉर्मूला हम लोग डिस्काउंट का बनाएंगे। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर ये प्लस में है एसपी, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एमपी माइनस एसपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट हमारा यही हो गया एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला होता है, मैं उसे लिखता हूँ आप लोगों के सामने। हमारा चौथा जो फॉर्मूला है वो है डिस्काउंट का ही। डिस्काउंट बराबर कितना है, एम पी इंटू डिस्काउंट परसेंट परसेंट बाय 100। ये हमारा है डिस्काउंट का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट का दूसरा फॉर्मूला। अगर आप लोग चाहें तो इससे एम पी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला की मदद से एम पी निकाल सकते हैं। ये देखिए एम पी बराबर हो जाएगा क्या, ये 100 है, इसको इधर कर दीजिए, ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिस्काउंट इंटू 100 बाय कर दीजिए डिस्काउंट परसेंट। यही हमारा हो गया पांच फॉर्मूला। इसी पांच फॉर्मूले की मदद से हम लोग एक्सरसाइज 10B करेंगे। देखिए आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज अगर करेंगे तो उसमें रिवाइज होते रहेगा तो याद हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, एक बार आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज का ये जो था इंट्रोडक्शन इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में 10B एक्सरसाइज बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बाय बाय, फिर होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय।